आपके सामने खड़ी है 2024 मॉडल यामाहा की R15 PS वर्जन 3 डार्क नाइट एडिशन है। तो गाइस इसी बाइक के बारे में आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में देने वाले हैं कि 2024 मॉडल यामाहा R15 PS में आपको क्या क्या फीचर्स ऑफर होते हैं, कितनी प्राइस आने वाली है, कितनी आपको उसमें माल मिलती है। तो दोस्तों अगर आप इस बाइक को लेने की प्लान कर रहे हैं या लेने वाले हैं तो इस वीडियो से लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो के लास्ट तक इस बाइक जुड़ी हर एक डिटेल्स हम आपसे शेयर करने वाले हैं। सो गाइस अगर आप चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर करिएगा और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा जिससे आप आने वाली वीडियो को मिस ना कर सके। तो चलिए गाइस बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस सबसे पहले स्टार्ट करेंगे इस बाइक के फ्रंट प्रोफाइल से। तो गाइस यहाँ पे आप देख पा रहे हैं इस बाइक का जो फ्रंट लुक निकल के आती है काफ़ी अच्छी लगती है देखने में। यहाँ पे आपको जो हेडलाइट का सेटअप मिलता है कम्प्लीटली आपको LED हेडलाइट सेटअप मिल जाती है, LED डियास दिया गया है और यहाँ पे R15 PS की आपको ब्रांडिंग मिलती है। और ऊपर साइड में देखने तो आपके यहाँ पे जो विंडशील्ड मिलती है ट्रांसपेरेंट विंडशील्ड आपके यहाँ पे मिल जाती है। प्राइसिंग की अगर बात करें तो इस बाइक का जो ऑनरोड प्राइस पड़ेगा आपको वाराणसी में 1,98,653 रुपये इसकी ऑनरोड प्राइस पड़ेगी। और यहाँ पे आप देखने तो एडजस्टेबल मिरर कोई इस तरह का आपको मिल जाती है और ओवरऑल इस तरह से इस बाइक की फ्रंट प्रोफाइल निकल के आती है। सस्पेंशन की बात करें तो फ्रंट में आपको जो सस्पेंशन इस बाइक मिली है टेलीस्कोपिक फोर्क सस्पेंशन आपके यहाँ पे मिल जाती है। और यहाँ पे आप देखें तो इस तरह से आपको यहाँ पे फेंडर जो मिलती है आपको मैट ब्लैक कलर में देखने को मिल जाती है, 5 अडिक आपको मिल जाती है। और गाइस यहाँ पे आप देख पा रहे हैं इस बाइक का जो राइट साइड प्रोफाइल है कुछ ऐसा निकल करती है। तो राइट साइड में आप देखें इसके फेयरिंग्स पे तो आपके यहाँ पे वेरिएबल वॉल्व एक्चुएशन जैसे कि इसमें आपको भी आपको मिल जाती है वेरिएबल वॉल्व एक्चुएशन की आपको ब्रांडिंग मिलती है, ABS की ब्रांडिंग मिली है। और यहाँ पर R15 PS की आपको यहाँ पे ब्रांडिंग मिलती है जैसा कि वर्जन 3 है तो यहाँ पर वर्जन 3 की आपको ब्रांडिंग मिली है, यामाहा की ब्रांडिंग मिलती है। यहाँ पर अगेन ब्रेकिंग की अगर बात करें तो जैसा कि यह बाइक डुअल चैनल ABS के साथ आती है तो फ्रंट में आपको जो डिस्क ब्रेक मिल रही है 282 mm का आपको डिस्क ब्रेक मिलती है, बाइक ब्रेक का ब्रेक कैलिपर दिया हुआ है और व्हील साइज जो आपको मिलती है 70 inches का आपको व्हील साइज मिल जाती है। और टायर प्रोफाइल की बात करें तो फ्रंट में आपको जो टायर मिल रही है 100x80/70 सेक्शन का आपके यहाँ पर ट्यूबलेस टायर लगने मिलती है। और जो अलॉय व्हील का कलर आपको मिलता है ब्लैक कलर में आपके यहाँ पर मिल जाती है इस बाइक में। और इससे यहाँ पर देखें तो आपको इसमें 155 cc का लिक्विड कूल आपके यहाँ पे इंजन मिल जाती है। तो इंजन इस पर मैं आगे वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। इससे इसकी चैसिस मिली है, फुट पैड्स आपको जो मिलता है काफ़ी अच्छी क्वालिटी का इसमें दिया गया है, मेटलिक फुट पैड्स आपको मिल जाती है। यहाँ पे ब्रेक पैडल कुछ इस तरह की मिलती है और इंजन पे आपको यहाँ पर यामाहा की ब्रांडिंग मिल जाती है और एग्जॉस्ट मिलता है कुछ इस तरीके का आपको यहाँ पे एग्जॉस्ट मिल जाती है और काफ़ी स्पोर्टी लुकिंग मिल जाती है। अब बात करेंगे इसके रियर सस्पेंशन और ब्रेकिंग के बारे में तो गाइस रियर में आपको सस्पेंशन इस बाइक में ऑफर होती है लिंक मोनोक्रॉस सस्पेंशन आपको यहाँ पर मिल जाती है। तो काफ़ी बढ़िया सस्पेंशन आपको इस बाइक में मिल जाती है फ्रंट और रियर दोनों साइड में। और रियर ब्रेकिंग की बात करें तो रियर में आपको जो डिस्क ब्रेक लगी मिलती है 220 mm का आपको डिस्क ब्रेक मिल जाती है। व्हील साइज की बात करें तो व्हील साइज जो आपको मिलती है 17 inches का आपको व्हील साइज मिल जाती है जो कि ब्लैक कलर में रियर में भी आपको व्हील लगी मिलती है। टायर प्रोफाइल की बात करें तो रियर में आपको टायर मिल रहा है 140x70 सेक्शन के आपको यहाँ पर ट्यूबलेस टायर लगी मिलती है जो कि आपको इस तरह से टायर प्रोफाइल मिली है, काफ़ी वाइड टायर आपको यहाँ पे मिल जाती है रियर में टायर अगर आपको मिल जाती है। टेललाइट की बात करें तो इसमें आपको टेललाइट मिली है, LED टेललाइट आपको यहाँ पे मिल जाती है, क्रैप हैंडल कुछ इस तरह की मिलती है और टर्न इंडिकेटर आपको बल्ब वाले टर्न इंडिकेटर अभी मिले हैं, LED का ऑप्शन देखने को नहीं मिलता है, रिफ्लेक्टर आपको मिल जाती है नंबर प्लेट लगाने की जगह। तो इस तरह से इसकी रियर प्रोफाइल निकल करती है। और गाइस यहाँ पे आप देख पा रहे हैं इस बाइक का जो लेफ्ट साइड प्रोफाइल है कुछ ऐसा निकल जाती है। तो लेफ्ट साइड में आप देखेंगे इसके फेयरिंग्स पे तो आपके यहाँ पर वेरिएबल वॉल्व एक्चुएशन की आपको ब्रांडिंग मिलती है, ABS की ब्रांडिंग मिली है और R15 PS वर्जन 3 की आपको यहाँ पे ब्रांडिंग मिली है। और फ्यूल टैंक की तरफ आए तो गाइस यहाँ पे आप देखें तो इसमें आपको जो फ्यूल टैंक मिलती है काफ़ी मस्त है, इसमें फ्यूल टैंक ऑफर की जाती है। फ्यूल टैंक कैपेसिटी की बात करें तो इसमें आपको फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिलती है 11 लीटर का आपको फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिलती है। यहाँ पे आपको इस तरह से कट्स एंड केज देखने मिलती है, जो हैंडल बार आपको मिलता है क्लिप ऑन हैंडल बार आपके यहाँ पे मिल जाती है और R15 PS की ब्रांड मिली है। यहाँ पे इंजन की स्विच और सेल्फ स्टार्ट का सपोर्ट आपको मिल जाती है। लेफ्ट साइड में आपको यहाँ पे इंटीग्रेटेड पासिंग लाइट का स्विच, टर्न इंडिकेटर, हॉर्न का स्विच दिया गया है। मीटर कंसोल की बात करें तो इसमें आपको जो मीटर कंसोल मिल रही है फुल डिजिटल मीटर कंसोल आपको यहाँ पर मिल जाती है जिस पर आपको डिजिटल टैकोमीटर, गियर शिफ्टिंग इंडिकेशन, ट्रिप डिटेल्स, ऑडोमीटर, फ्यूल इंडिकेशन, ABS इंडिकेटर, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपके यहाँ पर मिल जाती है। इसमें आपको ब्लूटूथ कनेक्टिव फीचर्स आपके यहाँ पर नहीं मिलती है इस मॉडल में R15 PS में। और यहाँ आपको 2 बटन्स मिलता है और फिर इन्फॉर्मेशन देखना चाहते हैं तो यहाँ से आप देख सकते हैं। तो इससे आपको जो मीटर कंसोल मिलती है फुल डिजिटल मीटर कंसोल आपको यहाँ पर मिल जाती है। अब आते हैं इसकी सीट की तरफ तो गाइस यहाँ पर आप देखें तो इसमें आपको जो सीट मिल रही है 850 mm का आपको सीट हाइट मिल जाती है और सिंगल सीट आपके यहाँ पर मिलती है। कंफर्ट की बात करें तो इसमें आपको जो कंफर्ट मिलेगा काफ़ी कंफर्टेबल इसमें सीट मिल जाती है राइडर और प्लेन दोनों के लिए। तो राइडर जो सीट आपको थोड़ा सा वाइडर मिली है और प्लेन सीट है यहाँ पे थोड़ा सा नैरो आपको मिल जाती है, इससे ग्रैब हैंडल्स आपको यहाँ पर मिल जाती है। और यहाँ पे आपको जो फुट पैड्स मिलती है काफ़ी बढ़िया क्वालिटी का इस बाइक में ऑफर की जाती है। अब बात की इस बाइक के इंजन स्पेक के बारे में तो इसमें आपको जो इंजन मिलती है 155 cc का सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल आपको इसमें इंजन मिल जाती है जो मैक्स पावर जनरेट करती है 18.1 BHP की पावर मिलती है एट
10,000 आरपीएम पे आपको मैक्सिमम पावर मिलती है। मैक्स टॉर्क की अगर बात करें तो इसमें आपको जो मैक्स टॉर्क मिलेगी 14.2 न्यूटन मीटर की आपको टॉर्क मिलेगी एट 7,500 आरपीएम पे आपको मैक्सिमम टॉर्क मिलती है। और जो गियर बॉक्स मिलेगा 6 स्पीड गियर बॉक्स देगा, साइड स्टेयर इंजन का आपको फीचर मिलते हैं। इस वक्त ओपन चेन डायर सिस्टम आपके यहाँ पर मिलती है। सो गाइस ये हो गया इस बाइक की फीचर और स्पेसिफिकेशन की बात। अब बात करते हैं इसके डायमेंशन के बारे में। इस बाइक का जो कर्बेट आपको मिलता है 142 केजी का कर्बेट आपको मिलती है। सीट हाइट आपको जो मिलती है 850 mm का सीट हाइट आपको मिलती है। ग्राउंड क्लियरेंस 170 mm का ग्राउंड क्लियरेंस दिया गया है। ओवर लेंथ आपको जो मिलती है 1090 mm का ओवर लेंथ दिया हुआ है। व्हील बेस की बात करते हैं, इसमें आपको जो व्हील बेस मिलती है 1325 mm का व्हील बेस दिया हुआ है। और विड्थ की बात करें तो इस बाइक का आपको जो विड्थ मिलती है 725 mm का आपको विड्थ मिल जाती है। ओवरऑल लेंथ आपको जो मिलता है इस बाइक का 1990 mm का आपको ओवरऑल लेंथ मिल जाती है। बात करें इसके प्राइसिंग के बारे में तो इस बाइक का जो ऑनरोड प्राइस पड़ेगा आपको वाराणसी में 1,98,653 रुपये इसकी ऑनरोड प्राइस पड़ेगी। और भी प्राइस रिलेटेड जानकारी के लिए आप यमहा शोरूम में कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो शोरूम का सारा कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन मिलेगा, वहाँ से आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, इस बाइक का एग्जैक्ट प्राइस ले सकते हैं। माइलेज की बात करें तो इसमें आपको जो माइलेज मिलेगी लगभग आपको 40-45 की मिल की आपको इसमें माइलेज मिल जाएगी यमहा R5 ES में। सो गाइस ये रहा यमहा R5 ES वर्जन 3 2024 मॉडल डार्क नाइट एडिशन का डिटेल रिव्यू, जिसमें हमने आपको बता दिया कि इस बाइक में आपको क्या क्या फीचर्स मिलता है, क्या स्पेसिफिकेशन है, कितनी इस बाइक की ऑनरोड प्राइस होने वाली है। सो गाइस कैसा लगा वीडियो, कैसी लगी ये बाइक कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा। सो गाइस आज के इस वीडियो में बताते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नई बाइक के साथ किसी नए रिव्यू में। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नोटिफिकेशन मेरे को ऑन कर लें, इससे आप आने वाली वीडियो को मिस कर सकें।